समाचार की ओर। करंट लगने से गाय के बछड़ों की मौत, चलती ट्रेन से लापता हुआ युवक, कन्या सेवा समिति ने करवाया 4 कन्याओं का कन्यादान, किसानों को दिया जैविक खेती का प्रशिक्षण, सिविल में दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश, मंदिर का वार्षिक उत्सव संपन्न, शोभा यात्रा में थिरके युवक, ग्रामीणों को दिया बाल विवाह रोकने का संदेश, रागीरों को पिलाया शीतल जल। अब समाचार विस्तार से। करंट लगने से गाय के बछड़ों की मौत। आबूरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में बीती रात्रि को जूनी घराड़ी खारवाल मोहल्ले में स्थित विद्युत विभाग के डीपी से हो रहे करंट प्रवाह की चपेट में गाय के 3 बछड़े आ गए। डीपी में करंट प्रवाह की गति इतनी तेज थी कि एक गाय का बछड़ा दूर से गुजर रहा था कि उसे भी करंट ने अपनी तरफ खींच लिया। वहीं 2 बछड़े विद्युत डीपी के पास बैठे थे जो तुरंत करंट की चपेट में आ गए। रात्रि में लगे इस करंट के बाद जैसे ही सवेरे इसकी सूचना नेता प्रतिपक्ष नरगिस कायम खानी को मिली, उन्होंने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता छगनलाल मीणा को दूरभाष पर सूचना देकर विद्युत आपूर्ति बंद करवाई एवं विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता परीक्षित व अन्य कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर विद्युत डीपी से हो रहे करंट प्रवाह को हटाया। खारवाल मोहल्ले में स्थित विद्युत विभाग की डीपी मुख्य सड़क के पास व आसपास मकानों के बीच स्थित है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। वही डीपी से मंदिर के पास व घरेलू मकान पर 11 केवी की लाइनें जा रही है जो किसी भी वक्त जन हानि की वजह बन सकती है। विद्युत डीपी को अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए मोहल्ले वासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया है, लेकिन अभी तक इस ओर विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। चलती ट्रेन से लापता हुआ युवक। आबूरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार सूर्यनगरी एक्सप्रेस से बोरीवली से खिमेलरानी आ रहा युवक लापता हो गया। इसकी सूचना परिजनों ने आबूरोड रेलवे पुलिस थाने में दर्ज करवाई। खिमेल निवासी अमृता वैष्णव ने आबूरोड जीआरपी थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उनका 22 वर्षीय पुत्र चेतन वैष्णव बोरीवली में व्यापार करता है। वो 12 मई को सूर्यनगरी एक्सप्रेस से रानी के लिए रवाना हुआ। रवाना होने के बाद उसने हमको मोबाइल पर सूचना दी। रात्रि करीबन 10 बजे उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं उसके साथ गांव का मांगीलाल नामक व्यक्ति भी सफर कर रहा था। उसके मोबाइल पर कॉल करने पर उसने बताया कि वो ट्रेन में नहीं है, उसका बैग वहीं सीट पर रखा हुआ है। उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। मांगीलाल द्वारा ट्रेन कंडक्टर को भी इसकी सूचना दी। वहीं उसके परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वहीं मांगीलाल ने आबूरोड पहुंचने पर उसके परिजनों व पुलिस को बताया कि बड़ोदरा तक चेतन सीट पर बैठा था, लेकिन बड़ोदरा से ट्रेन के रवाना होने के बाद वो सीट पर नहीं आया। परिजनों द्वारा आबूरोड जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कन्या सेवा समिति ने कराया 4 कन्याओं का कन्यादान। आबूरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शहर में निर्धन व आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं के कन्यादान के लिए निस्वार्थ कन्या सेवा समिति मददगार बनी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों ने निस्वार्थ कन्या सेवा समिति से संपर्क कर अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए कन्याओं के कन्यादान करने की बात कही, जिस पर समिति के सदस्यों ने चारों कन्याओं के घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति देखी एवं सभी ने सहमति से चारों कन्याओं को कन्यादान कराने के लिए अनुमति दी। निस्वार्थ कन्या सेवा समिति ने 4 कन्याओं का कन्यादान करवाया व समिति ने कन्यादान के रूप में घरेलू सामान दिया। समिति ने गांधीनगर ज्योति पुत्र बाबूलाल, कामिनी पुत्री रामचंद धोबीगार, सुगना कुमारी पुत्री नाथूजी अनाद्रा, शीला पुत्री पार्वती जूनी खराड़ी का समिति के सदस्यों ने हाथों से कन्यादान करवाया। इस अवसर पर राजेश परियार, नरगिस कायम खानी, पीयूष गर्ग, शमशाद अली, ओम प्रकाश सैनी, लोकेश सोनी, राजू प्रजापत सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। किसानों को दिया जैविक खेती का प्रशिक्षण। आबूरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मा कुमारी संस्था के तपोवन में किसानों के लिए एक दिवसीय जैविक यौगिक खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने कहा कि प्राचीन काल में किसान गोबर और जैविक खादों का इस्तेमाल करते थे, उसका पूरा लाभ किसान को मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में रासायनिक खादों से पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन उसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे गुजरात से आए किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि यदि किसान चाहे तो वो अपनी पैदावार को 2 गुना बढ़ा सकते हैं। इससे एक तो शुद्ध अनाज मिलेगा और दूसरा अच्छी पैदावार भी होगी, यही नहीं पर्यावरण को भी रक्षा हो सकेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था का ग्राम विकास प्रभाग लगातार इसके लिए प्रयासरत है।
तपोवन के निदेशक बीके भरत ने कहा कि जैविक यौगिक खेती से पैदा होने वाले अनाज से तन और मन दोनों ही ठीक रहेगा। इससे जहां भूमि की रक्षा की जा रही है वही भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है। इसलिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा जैविक यौगिक खेती का प्रयोग करना चाहिए। जीवामृत और कीटनाशक दवाओं की जगह परंपरागत चीजों के उपयोग से खेती करने की सलाह दी। इस मौके सभी किसानों तथा उपस्थित लोगों ने खेती के लिए रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करने का संकल्प किया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। लगाकर राहगीरों को जल पिलाया।
अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंगल ने बताया कि सेवा समिति द्वारा हर वर्ष गर्मियों में शहर में विभिन्न जगहों पर ठंडे पानी के कैंपर लगाकर राहगीरों को ठंडे जल की व्यवस्था की जाती है। इस क्रम में शहर में हर माह लगने वाले हाट बाजार में रेलवे फाटक के समीप ठंडे पानी के कैंपर लगाकर राहगीरों को ठंडा जल पिलाया जाता है। अग्रवाल ने बताया कि मेले के लिए खास लगाई प्याऊ में 250 से ज्यादा ठंडे पानी के कैंपरों का उपयोग कर सेवा समिति के सदस्यों ने अपने हाथों से ठंडे जल का वितरण कर बाजार में खरीदारी करने आए लोगों को जल पिलाया। इस दौरान सेवा समिति के सुमित जैन, अजय अग्रवाल, गज्जू भाई, मुकेश गर्ग, अरविंद गर्ग, प्रदीप अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, शैलेश ओरिया, मुकेश नौवेटी सहित सदस्यों ने सहयोग किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए जय भारत, जय सिरोही।